आपने मुझे तो देख लिया, अब देखते हैं द बिगेस्ट समर रिलीज द मल्टी स्टारर मूवी हनुमान द दमदार का ट्रेलर इस बड़े पर्दे में। आपको तो पता है बजरंगबली इज द शाइन ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ और वो बहुत दमदार हैं, इसलिए तो हम कहते हैं जय बजरंगबली तोड़ दुश्मन की नली। अब मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना नहीं पड़ेगा, लेकिन अब आप इतने दूर से आए हो तो अपना इंट्रोडक्शन दे ही देता हूँ। मैं हूँ भाइयों का भाई सल्लू भाई, उसका छोटा भाई अक्षत भाई। कोई शक, मेरा नाम है अक्षत सिंह। मैं हूँ छोटा पैकेट लेकिन बड़ा धमाका, फटूंगा यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में सुनाई देगा। मैंने किया है इंडियाज़ गॉट टैलेंट झलक दिखला जा कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, एशियाज़ गॉट टैलेंट वर्ल्ड्स गॉट टैलेंट एलएनडी जेंडर शो लिटिल बिग शॉट्स। आज के लिए इतना काफ़ी है। अब देखते हैं हनुमान द दमदार का ट्रेलर। यो, ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपको तो पता है बजरंग बली हमारे सुपर हीरो हैं और ओरिजिनल हीरो हैं, इसलिए तो हम कहते हैं ऐसे मैंने बोला जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली। मुझे पता है आप सबके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मुझसे पूछ के क्या फायदा, उनसे पूछते हैं जिन्होंने ये फिल्म बनाया है। तो मैं चाहता हूँ रुचि मैम प्लीज आप स्टेज में आओ। हेलो, हाय, हेलो ऑल फॉर कमिंग, थैंक यू। एंड अक्षत आपने मतलब बहुत ही दमदार इंटरेक्शन किया है। मेरा नाम अक्षत सिंह है, यहाँ पे तारों के नीचे से आया हूँ, लेकिन बजरंग बली का परमिशन लेके आया हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि किसी के हाथ चलते हैं और किसी के पैर, लेकिन बजरंग बली के दोनों ही चलते हैं। थैंक यू। यो, मेरा जो इंट्रोडक्शन है जैसे अक्षत का इतना लंबा चौड़ा था, मेरा तो नहीं। But we are just really happy that you're all here. और आप लोग देख रहे हैं कि हमारी धमाकेदार summer release आ रही है 2 June को. And I want to call up on stage our great stars who have lent so much humor and fun to the film. You want to call? धमाकेदार और दमदार तालियों के साथ प्लीज लेट्स कॉल चंकी सर, विनय सर। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि पिछले एक महीने से ड्यूटी पे लगाया हुआ है मुझे डायरेक्टर साहब ने, बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग, थैंक यू। मैं बचपन में टॉम एंड जेरी बहुत देखता था एंड आई यूज्ड टू जस्ट वंडर कि मुझे कब मौका मिलेगा टू वर्क इन अ टॉम एंड जेरी काइंड ऑफ अ कार्टून। जब रुचि आई मेरे पास टेलिंग मी शी हैड दिस सब्जेक्ट, तो मैंने कहा मुझे करना क्या है, आई हैव टू डू डबिंग। शी सेड नहीं, तुम्हें डबिंग नहीं करनी, यू हैव टू डू एक्टिंग एंड डबिंग। आई सेड कार्टून में? शी सेड तू वैसे ही कार्टून है। तो वहाँ से शुरुआत हुई एंड हम डबिंग थिएटर में गए एंड स्टार्टेड परफॉर्मिंग ऑल द सीन्स। और मैं इस पिक्चर में थोड़ा इफेमिनेट हूँ। इफेमिनेट हूँ कैसे हूँ? सॉफ्ट 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 नाजुक, बड़ा नाजुक हूँ। और थैंक गॉड रुचि ने वो शॉट्स दिखाए नहीं ट्रेलर में जहाँ मैं परफॉर्म कर रहा हूँ नाजुक के रोल्स, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, बट वेटिंग टू सी द फिल्म एंड आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, थैंक यू। अभी तो मेकिंग जा रही है। नहीं यार। मैं भी बता दूं कि मेरा चयन कैसे हुआ था भैया अक्षत सिंह जी, थैंक यू। मेरी तो टाइप कास्टिंग हुई है, रुचि जी ने मुझे कहा कि एक तोता है बहुत बोलता है, वो इतना बोलता है कि लोग रोने लग जाते हैं थिएटर में। माय इमोशंस एग्जैक्टली, थैंक यू। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे कैमरे के सामने बोलना है और मुझे तोता बनना है। भाई उनको कोई कोल्ड ड्रिंक्स दे दो यार।
बिचारी कितने देर से झेल रही हैं कि अब आएंगे स्टार सायरा कम वो एक्चुअली कह रही हैं कि वो क्यों नहीं आई स्टेज पे इसीलिए रो रही हैं वो लगता है ये भी कुछ बोलना चाहते हैं तो जैसा कि आपने देखा टाइप कास्टिंग हुई है मेरी थैंक यू रुचि जी इस अवसर के लिए मैं बहुत आभारी हूँ आप अब आप कुछ बोलिए Hey, one second. I just want to, from Ashutosh and I, mujhe sirf itna kehna hai ki there's a big thank you to Chunky sir and Vinay sir because hum jab AD the, to humari pehli picture mein Vinay Pathak saab the. And thank you so much for it's a big circle. Thank you so much. Aur jab se main chota bachcha tha, I think I was 2 years old when I saw So Gaya Ye Jahan. Since that time, I've been a big fan of Chunky Pandey and he knows that. I'm his biggest fan. There's no fan in Bangladesh that is as big as I am. I'm serious. You know what he's doing? He's joking. No. Yeah, this is a true story. You know that. I make my friends go to him and ask him, who's your biggest friend? And then he has to take my name, otherwise I start to sulk. True story, guys. Love you, sir. Thank you. Tera mic bhi bahut bada hai. Aja. He's got this whole thing. Hello. Yeah, hi. Straight, yes, center. Do you think there is a very strong market for animation films in India? I mean, we, of course, have a lot of children and people who go to watch movies. But do you think over the years, the market has really developed that people will be willing to pay and watch an animated film on the big screen? I mean, we definitely think so since we're here. But yeah, हम लोग सोचते हैं कि बेसिकली यू हैव टू टेल अ गुड एंटरटेनिंग स्टोरी और फिर फॉर्मेट जो भी हो आई थिंक दीज डेज ऑडियंसेस आर वेटिंग टू सी समथिंग न्यू दैट्स माय पर्सनल बिलीफ एंड दे आर वेटिंग टू बी स्टंड एंड यू नो दे वांट एंजॉयमेंट दे आर वेटिंग टू बी फैसिनेटेड के ओ यू नो आई हैव सीन समथिंग रियली डिफरेंट So we've got a great response, as you know, from the trailer. So we think it's gonna rock, actually. Was it difficult to convince Salman Khan to come on board to dub for the character? Honestly, when we were writing the script and everything, we had a wish list of actors who we wanted to approach for each character, and. Everyone we went to, starting with Chunky and Vinay, everybody said yes. And like I say, if someone wants to do something, there's only you can't really convince them. Either they want to do it or they don't want to do it. So, you know, everyone who's done it was our first choice, and we are blessed and really lucky that, you know, they're all part of this film and they've made it. Such an entertaining and fun ride that I can't wait for all of you to see it. Chunky, how was it? So yeah, you didn't tell us. How did you convince Salman to do it? Or he was already convinced? Honestly, when I told him first, his first reaction was, "The damdar? Ye kya cheez hui?" So you know, I said, "Well, you know, damdar is because everyone knows he's strong and he has a lot of courage and dam." So that's why I want it to be the damdar. And the because we are doing it in a very contemporary way where everyone can relate to it. So that's how it's the damdar. So he was like, okay. So I think, I mean, to me it looked like he really liked the approach of it. And when he heard the scenes and he heard the dialogue, he really got into it. He loved the whole contemporary flavor and the humorous, easy, fun approach. Hello everyone, this is Neha. Mera question Richie aapse hai. Hanuman pe all bhi animated movie ban chuki hai. Kya kuch different is wo movie mein hone wala hai? Aap kahan hai? This side. Oh, there. Okay. Theek hai. This is matlab bahut saari filmein har subject pe banti hai. But I think it's about your take on the film or the story. And hum log, jaise aap keh rahi hain, Hanuman ya animation, ye sab cheeze hui hain. Magar we've never seen a story, an animation film
इस स्केल पे विद दिस काइंड ऑफ स्टार कास्ट एंटरटेनमेंट वैल्यू एंड फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द contemporariness of it, the language, the dialogue. So I mean, it's very different. Like you can, you've seen this trailer, and you can see any other trailer of or any of these films which have been made. There's no similarity, and this is a fun adventure tale. It's about Hanuman finding his dham, jaise how the Bhola Bhala Bajrangi became Hanuman the Damdar. So the story is different. Thank you so much. चंकी सर, मेरा सवाल आपसे है. रिसेंटली हमने आपको विलन के किरदार में देखा, तो और यहाँ पर देखा कि आप कॉमेडी कर रहे हो, तो क्या विलन के किरदार को कंटिन्यू करने वाला है या फिर कॉमेडी वाला रूप फिर से दिखाई देगा आपका? देखो भाई, कॉमेडी तो कभी निकल नहीं सकती मुझ मेरे अंदर से. आई मीन रग रग में है. रग रग में है. ए बच्चा पट्टी है कि नहीं? आखिरी पास्ता निकलने का रास्ता ढूंढता है. नहीं, ये मैंने काफ़ी 2 साल हो गए ना इसकी डबिंग करके, और कॉमेडी तो कभी जाएगी नहीं मेरे अंदर से. लेकिन हाँ, अब एक थोड़ा ट्रैक बदली कि मैंने, इट इज़ गोइंग टू बी अ विलन ट्रैक नाउ. और मैं एक बहुत बड़ी पिक्चर कर रहा हूँ तेलुगु में भी, वेयर आई विल बी प्लेइंग अ सुपर विलन. फ्रॉम सुपर हीरो टू सुपर विलन. इसके अलावा मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है अभी जो मैं पूछने वाला हूँ. तो मैं आपके रिएक्शन चाहूँगा कि आज जो है रीमा लागू जी हमारे बीच नहीं रहे, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप लोग? चंकी सर, आपसे शुरुआत करना. इट्स अ वेरी सैड थिंग. मैं पर्सनली रीमा जी को नहीं जानता था, लेकिन मैंने बहुत फिल्में देखी उनकी. सलमान खान की मम्मी बनती थी हर काफ़ी फिल्मों में, एंड ग्रेट एक्ट्रेस, वेरी ब्यूटिफुल लेडी, बट मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई. आई विश आई हैड मेट हर एंड वर्क्ड विद हर. गॉड ब्लेस हर सोल. वी विल ऑल प्रे फॉर हर. विनय सर. या आई वुडंट से एनीथिंग डिफरेंट. मैंने कभी उनके साथ काम किया नहीं है. एक बार मैं मिला उनसे ज़रूर था. शी वॉज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर एंड शी ब्रॉट एन अमेजिंग ग्रेस ऑन द स्क्रीन एवरी टाइम शी डिड एनीथिंग. मैं बहुत बड़ा प्रशंसक था उनका. आज आप की तरह मुझे भी सुबह ये समाचार मिला, और ये बहुत शोकजनक बात है. एंड वी आर ऑल वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस ह्यूज लॉस टू हर फैमिली एंड टू द इंडस्ट्री. इट इज़ अ बिग लॉस. आई मीन शी वाज ऑब्वियसली अ वेरी ग्रेट एंड रेनाउंड एक्ट्रेस हु एमिनेटेड वार्म्थ, एंड इट वाज वेरी शॉकिंग. I have never worked with her, but I really did love her. She was very young also, right? Yeah. Very young. Yeah, I guess same for all of us. In fact, her daughter was a senior of ours in college, and she spoke very highly of her, and we used to go tell her that, you know, we love her performances in all the films, actually, all the Rajshree films that she did, even the other films that we've watched growing up. And it is, even I've just lost somebody right there, and I know what it is like. And inshallah, may Allah, you know, give her peace, and she's in a good place, inshallah. Chunky and Vinay sir, aapse sawal hai. Aapke center mein jo kirdaar aap nibha rahe hain isme, usse aapke bachpan ka kirdaar kuch ya kuch yaadein judi hain ya fir milta julta hai koi character? Mere sath to bahut hi Tell us the truth. प्रॉब्लम वाला स्टोरी है ये, बिकॉज ये जो कैरेक्टर इन्होंने लिखा था, ये वैसे पहले नाजुक था नहीं, ये था राजू गाइड. लेकिन जब मैं डबिंग थिएटर में पहुंचा, तो मैं इनको एक किस्सा सुनाने लगा. जब मैं पैदा हुआ था, उस दिन हॉस्पिटल में 18 लड़कियां और मैं अकेला लड़का पैदा हुआ. और मेरी मम्मी बहुत चाहती थी शी वुड हैव अ डॉटर. तो सब जो शॉपिंग की थी मम्मी ने, सब फॉर गर्ल्स. तो जब तक 2 साल की उम्र तक, माई मदर ऑलवेज ड्रेस मी अप एज अ गर्ल. मेरे हर बचपन के फोटो में मैंने फ्रॉक पहने हैं. आई यूज टू हैव इयररिंग्स एंड एवरीथिंग. और आज भी जब मैं दुकान में जाता हूँ शॉपिंग करने के लिए, द फर्स्ट थिंग आई पिक अप आर लेडीज क्लोज. और दुकानदार बोलता है, सर दैट इज फॉर लेडीज. आई से हाँ, आई एम बाइंग फॉर माई वाइफ एंड डॉटर. जस्ट जोकिंग. नो, आई एम नॉट जोकिंग. वाकई, आई मीन आई हैव गॉट अ वेरी सॉफ्ट साइड टू मी. तो जब मैंने इनको ये किस्सा सुनाया, दे सेड लेट्स मेक यू सॉफ्ट, लेट्स मेक यू नाजुक. और मैंने कुछ ऐसे बातें की हैं पिक्चर में.
But yes, that's how the character came out. And I just want to add that Chunky is more of a method actor than you all know. When he came for the dubbing, he was fully dressed in pink. He said, I'm getting into the character. Hello, everybody. To your center, almost. To your right. Oh, yeah. So, Ruchi, I wanted to ask you, is there a reason why you imbibed the song Lakdi Ki Kathi in this movie? And when are we going to be seeing it? So, if you don't mind, I'll hold the answer to that as soon as we play it. And I'll definitely answer your question. Thank you. अरे मैं तो सवाल ही भूल गया मैं कैरेक्टर मिलता है क्या बचपन का कुछ क्या हाँ मतलब जो तोते का कैरेक्टर है जो कि एक न्यूज़ चैनल में वो एंकर है मैं पिछले जन्म में वैसा ही था और मैं बड़ा होके हमेशा एक अपना न्यूज़ चैनल खोलना चाहता था और उसको एक दमदार नाम देके उसमें सिर्फ मैं ही बोलता हुआ दिखना चाहता था मेरा वो सपना कोई और साकार कर रहा है तो मुझे लगा कि शायद इस देश को मेरी जरूरत नहीं है तो इसीलिए मैं रुचि जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा सपना साकार करने में मेरी बहुत सहायता की है और बाहर दूसरे न्यूज़ चैनल में नहीं मैं इस फिल्म में ही समाचार वाचक का किरदार अदा कर रहा हूँ उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आप सब समाचार वाचकों का थैंक यू नाउ कैन वी हैव अ फोटो सेशन किसके साथ आप सबके साथ चलो देखते हो क्वेश्चन आंसर पूछते हो टाटा बाय बाय करते हो खाना खाते हो और चल जाते हो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला यहाँ पे मिलने वाला है आपको एक दमदार सरप्राइज क्योंकि बजरंग बली भी एकदम दमदार है और आपको भी मिलेगा एक दमदार सरप्राइज मुझे पता है आप लोग जब ट्रेलर देख रहे थे तो आपके मन में कुछ बचपन की याददाश्त आ रही थी तो अभी आपके सब याददाश्त वापस आ जाएंगे जब आप ये दमदार सरप्राइज देखोगे सो कैन वी हैव द दमदार सरप्राइज हम चले क्या हाँ चलो गुड आफ्टरनून एवरीबडी या आज के आफ्टरनून के लिए तकबक एवरीबडी बोलूं मेरे ख्याल से वो ज़्यादा सही रहेगा वाओ हाउ अमेजिंग टू बी हियर आई थिंक वेल एवरी इवेंट इज़ इंटरेस्टिंग इन इट्स ओन वे लेकिन जब वो इवेंट तकबक से जुड़ा होता है तो कुछ ज़्यादा ही खास हो जाता है सो वंडरफुल टू बी हियर And I want to congratulate Richie today, a dear, dear friend of mine. Please give her a big round of applause. Please. Oh, thank you. Who in her first film has taken up a hero, which is beyond all the heroes. Beyond, it's, I mean, how bigger can a hero get than a Hanuman? I mean, it's
outstanding. So, Richie, congratulations. I mean, it's awesome to be here. And, you know, there is something I want to share with all of you today. I think even if I'm 70 and 80 years old, I think I'll first be known for Lakdi Ki Kathi. And I cannot even tell you how amazing it feels. Kids, one of them is in my building itself. He's 4 or 5 years old. And he still only knows me from Lakdi Ki Kathi. Though every time I meet him, I can see in his eyes, but in the song, she looks different. So I can't blame him, but you know. But I have to say something and share this with you all, that there is not even this much credit I should be taking for this song. It's just amazing, and it just, you know, makes me, it's really amazing feeling to be a part of a song which has been in the hearts of every kid and in hearts of all of us, because we have seen it and known it as kids. But honestly, the credit entirely goes to these two legends, heavy duty legends, Gulzar Saab and the great R.D. Barman. And when you have Shekhar Kapoor directing the song, I think I was just plain lucky. So amazing. The memories are always fresh and fantastic. And I think what's amazing that these people have managed to do here is to connect it today with this superhero. So it connects straight away with the kids. And maine gana dekha hai. Aur jo masti aur maza inhone gaane mein ki hai, mujhe lagta hai, this is going to be the new age Lakdi Ki Kathi. And that's going to be as exciting, Ruchi. Mujhe aapko puchna chahiye, aapko kaise lag raha hai? Kyunki jab maine gana dekha, I was like, my God, this is super cool. So Hanuman is doing all these things in the middle of the jungle. You only wish you were a part of that jungle and you could do half the things that he is doing there. Or you could just be there and look at all of them, you know. So how does it feel to you? Well, I mean, it's amazing that I'm responding to you on stage, firstly. Thank you so much for doing this. And of course, you know, you are synonymous with the song. We love the song. We love you in the song and aside from it. But I mean, the great thing about the song for us was that, you know, we all have a connection with it. But even children today, like that little boy, is still singing it. And they all know it because, you know, the original itself was such a wonderful melody and such catchy and memorable lyrics. So, in fact, when we set about recreating it with the music director Abhishek Arora, who's here today, and the lyricist Abhishek Dubey, who's also here, we were very clear that we all loved the original song. And we wanted to retain everything we loved about it. And the only thing is we wanted to take it to today's generation. So we just wanted to, you know, make it a little more up-tempo and a little more cinematic, as people are used to these things today. And I'm so happy with the way it's turned out. It's wonderful and it's really catchy. And nothing could be better for us than having you here. Share it with us. Thank you so much. And also, मुझे लगता है कि ये बहुत बुरी बात है, sorry to say, लेकिन इतनी सारी फिल्में हमारे देश में बनती है, लेकिन children film बहुत कम बनती है, और मुझे लगता है जिस पैमाने पे और जिस खूबसूरती से present इस फिल्म को किया गया, ऐसी तो बहुत ही कम बनती है. So एक बार फिर से मैं सारे लोगों को जो इनसे जुड़े हुए हैं, actors and makers, everybody, I want to congratulate, kyunki mujhe lagta hai ki this is what will bring all those kids back into the theater to see their own superhero of our land, of our culture, in this big magnified beautiful way. So mujhe is baat ki bahut zyada khushi hai ki aaj jab may ke mahina chal raha hai to logo ko aur bachcho ko ek zabardast mauka hai ye to come in the theaters and have a blast. That's it. Yeah, popcorn khao. Ruchi ma'am, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ. आपने उर्मिला मैम को अपने फिल्म में क्यों नहीं लिया? वो तो बस मेरे से एक दो साल ही छोटी, सॉरी, एक दो साल ही बड़ी है. मेरी बड़ी बहन जैसे है, उनको फिल्म में लेना चाहिए था ना.
चलो कोई बात नहीं, फिल्म में नहीं लिया तो क्या अभी, हुआ अभी एक फोटो एक और बनाऊंगी ना और एक फोटो हो जाए फोटो नहीं फोटो एक ही शर्त पे हो सकता है मुझे फिल्म में तो पार्ट बनने का अदरवाइज मौका नहीं मिला लेकिन गदा हाथ में पकड़ने का मौका मिलना चाहिए व्हाट डू यू से या बर्थडे है तो आज हम आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे लेट्स हैव द केक